इस महिला में झूठ पहचानने की शक्ति है। जब तक सामने वाला झूठ बोल रहा है उसके कान झंझनाते रहेंगे। इसी सुपर पावर से उसने खूब पैसा कमाया। एक दिन शहर के खतरनाक गैंगस्टर ने उसे बुलाया और उसकी गैंग में छिपे असली गद्दार का पता लगाने को कहा। हालांकि आना के पास झूठ पहचानने की पावर है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने सामने बंधे तीन अपराधियों से सवाल करने होंगे। तीनों गद्दारों के जवाब देने के बाद आना ने गैंगस्टर से कहा कि इन तीनों ने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। तभी बैसाखी पर एक आदमी आगे बढ़ा। उसने आना के झूठ पहचानने की क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन आना को उसे आदमी पर ही शक हुआ कि वो असली गद्दार है। इसलिए आना ने लंगड़ाते हुए आदमी से सवाल पूछा, क्या उसने जानकारी लीक की है। वो आदमी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अपने बॉस के दबाव में उसे जवाब देना पड़ा। ये बातें जल्द ही आना के कानों तक पहुंच गई। आना के कानों में वाइब्रेशन हुई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने गैंगस्टर को बताया कि वह आदमी असली गद्दार है। ये बात सुनकर गैंगस्टर ने उसकी बैसाखी पर लात मारी, जिसे सच बाहर आ गया।